सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की शादी सोमवार को संपन्न हो गई। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। ओसामा की बारात प्रतापपुर स्थित ओसामा के पैतृक गांव से रवाना हुई और शहर के तिलहट्टा बाजार स्थित सिराजुल उलूम मदरसा पहुंची। इस दौरान बेहद खास तस्वीरें सामने आईं, जब यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी खुद दूल्हे ओसामा की गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभालते नजर आए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ओसामा की शादी में शारथी बने यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। उन्होंने खुद दूल्हा बने ओसामा शहाब की गाड़ी को ड्राइव किया और शादी समारोह स्थल पर लेकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बारात शाम करीब 6:15 पर करीब ओसामा शहाब के आवास से रवाना हुई। शादी समारोह में बेहद करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। ओसामा शहाब की शादी में शामिल होने के लिए आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने काफिले के साथ सीधे प्रतापपुर पहुंचे। उनके साथ सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी, रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव भी साथ थे। साथ ही बढ़रिया के विधायक बच्चा पांडे समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी ओसामा की शादी में शामिल हुए। शहाबुद्दीन के निधन के बाद पहली बार तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे। हालांकि इससे पहले शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही तेजस्वी पटना के पारस अस्पताल पहुंचे थे। उस समय उन्होंने ओसामा से उनकी मां का हाल चाल लिया था। ओसामा शहाब के करीबी लोग इस शादी को सादा समारोह बता रहे थे। हालांकि बारात में करीब 500 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला देखने को मिला, जिससे कई किलोमीटर तक सड़क पर जाम लग गई। कई लोगों की गाड़ियां जाम में फंसने से उन्हें निकाह स्थल तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि शादी समारोह बेहद आराम से निपट गया।